इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दानिश, जो कि बहुत ही कमाल के सिंगर हैं, अपकमिंग बोलिंग सिंगर हैं और इनकी आवाज़ के लोग बहुत दीवाने होते जा रहे हैं। इनकी फिल्म भी अभी आई थी कर्मा, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए थे। दानिश स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम ये बोलेंगे आप जो है पहले अपने गानों से कुछ शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे द जर्नी ऑफ कर्मा में 3 गाने हैं, तो जिसमें से मेरा जो फेवरेट है मौला मेरे, मैं वो गा देता हूँ आपके सामने। एक बारी फिर से दिन निकले, चाहत में तेरी वो गुजरे, ओ मौला मेरे मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। बहुत अच्छी आवाज़ है। एक चीज़ बताएं, आप जो हैं आजकल जो रियलिटी शोज़ बहुत आ रहे हैं, तो आपने किसी रियलिटी शोज़ के ज़रिए एंट्री ले रहे हैं बॉलीवुड ली या ऐसे अपने से ही आपने? एक्चुअली मैंने जब मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं रियलिटी शो में जाऊँ, क्योंकि मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, कस्बे से हूँ, खतौली मेरठ के पास है, तो लेकिन मैं ट्राई नहीं कर पाया, मतलब जा नहीं पाया स्टडी के बीच में, और मेरी फैमिली इस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करती थी। तो मैं सीखता गया। मैंने एक दिन सोचा अगर मैं रियलिटी शो में नहीं जा पा रहा हूँ कोई बात नहीं, बट मैं खुद की मेहनत से एक दिन मूवीज़ करूँगा और इंशाल्लाह इतना बड़ा बन के दिखाऊँगा कि एक दिन मैं रियलिटी शो जज करूँ। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि हर एक सिंगर जितने भी होते हैं उनका एक सपना होता है कि मैं इस सिंगर को फॉलो करके वैसा बनना चाहता हूँ, आपका कौन है ऐसा? मैं पुराने सिंगर्स को पहले काफ़ी मानता था और मानता हूँ और मानता रहूँगा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू म्यूज़िक का जन्म हुआ बेसिकली। तो किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके गाने में सुन के इंस्पायर्ड हुआ लिखने के लिए। बाकी आज के जो सिंगर्स हैं, जिसमें अगर मैं रैपिंग और म्यूज़िक में लूँ, तो मैं उस टाइम बचपन में हनी सिंह को सुनता था, तो उनके स्टाइल को मैंने काफ़ी फॉलो किया था। तो मैं रैपिंग तो नहीं की, अभी तक मेरे रैपिंग सॉन्ग आने वाले हैं, बट उनके म्यूज़िक और लिरिक्स से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था। अभी अरिजीत सिंह, आतिफ असलम सर हैं, उनके गाने मैं हमेशा सुनता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स मैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, वो हमारे एआर रहमान सर हैं और प्रीतम दा हैं, बहुत सारे ये मेरे जो इंस्पिरेशंस हैं। मेरे ये बोलेंगे आप जो हैं अपने जो पुराने सिंगर्स जिनको आप फॉलो करते आ रहे हैं, उनके किसी के फेवरेट गाने को जगह गा पाएं तो? हाँ बिल्कुल, एक गाना है किशोर दा का, मेरे महबूब कयामत होगी, तो मैं वो गाना गा देता हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। दानिश एक बार बताएं कि इंडस्ट्री में आने के बाद यहाँ पे सफ़र, एंट्री लेना टफ था? बहुत टफ था। एक्चुअली क्या होता है, मुझे लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि आप उन 100 लोगों में से एक हो जो कम टाइम में सक्सेस होते हैं। तो मैं अपने आप को आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल के अंदर मेरी मूवी आई है, मेरे टी सीरीज़ के एल्बम्स आए हैं, अभी आगे भी मेरे बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक मूवी चल रही है, सिंगल चल रहे हैं बड़े म्यूज़िक लेवल से। तो मैं एक अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि आजकल मैंने बहुत लोगों से मैं मिला हूँ अपने स्ट्रगल टाइम में, जो बेचारे 10 साल से 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मतलब सब लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, सब सक्सेस हों, सब आगे बढ़ें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। मुझे जितने भी सक्सेस लोग हैं उनका सपोर्ट भी चाहिए, उनके साथ काम करने का मन बहुत होता है, मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है। एक चीज़ बताइए कि इंडस्ट्री के अंदर बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा कभी गुजरा? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तो फर्स्ट टाइम मुंबई आया था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 0 एक्सपीरियंस था, यहाँ के लोगों को मैं नहीं जानता था और यहाँ पे कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैं किसी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो जब मैं आया था, मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब यूज़ भी किया, मेरे पैसे काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल कर लिए थे, ये बोल के वो बोल के, काम दिलाना ये मिला, तो मतलब मुझे बहुत बुरे लोग भी मिले, लेकिन बाद में मुझे समझ हुई, क्योंकि एक ठोकर लगने के बाद संभलता है, तो वही मेरे साथ हुआ, मुझे काफ़ी ठोकर लगी, मेरे काफ़ी पैसे वेस्ट हुए,
फिर उसके बाद मैंने जेन्युइनली अपना काम स्टार्ट किया, मेहनत स्टार्ट की, अच्छे लोगों से मिलना स्टार्ट किया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइफ का कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला बुरे लोगों से। चलिए चलते थे, एक चीज़ पूछेंगे, आप अपने मन पसंद अपना गाना जो है जो आप बहुत गुनगुनाते हो वो अपने दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। हाँ, मेरा मनपसंद तो अभी लेटेस्ट मौला मेरे है, मेरा खुद का गाना, बट आई एम सॉरी मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मेरे काफ़ी फेवरेट सॉन्ग्स हैं जिसमें मैं एक गाना अभी गा देता हूँ। अभी लेटेस्ट एक गाना चल रहा है जो हार्डी संधु का है, तेरा मुखड़ा चांद टुकड़ा ये तेरी आंखें तेरे शू, क्या बात है ये तेरा काजल कर दे पागल, हिप्नोटाइज करे जटनू, क्या बात है। चलिए दानिश, ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपके आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पूरा नाम अर्जुन खन्ना। इस वक्त साथ मौजूद है अर्जुन खन्ना और संग्राम सर, स्वागत करेंगे आप लोगों का। जी जी, एक एक बार फिर से कर लो, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, बंद कर। इस मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन खन्ना और संग्राम सिंह, स्वागत करेंगे आप लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम एक बार पूछना चाहेंगे आपसे संग्राम, कि आप बहुत टाइम बाद मीडिया के सामने आए हैं, क्या खास वजह थी आज? देखिए, वैसे तो मैं शो चल रहे हैं मेरे, काफ़ी चीज़ चल रही है, मगर ये स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमने एक ऐसी चीज़ लॉन्च करने के लिए कि जिससे यूथ से लेके सब में एक मतलब एक जागृति आई कुछ अच्छा करने की। आज हमने एक इंटरनेशनल फिटनेस मोटिवेशन सीरीज लॉन्च की है जिसको कोई भी इंसान देखेगा, बच्चा देखेगा, यूथ देखेगा, वो वर्कआउट करेगा। और इसको प्रेजेंट कर रहा है वेलसेस जूस, यानी वेलसेस सीबक थनबेरी जूस। ये 11,000 फीट के ऊपर ये बेरी है, सीबक थनबेरी जिसका जूस होता है, इससे नीचे होगा तो जूस इतना फ़ायदेमंद नहीं है, उसके मिनरल ख़त्म हो जाएंगे। और बड़ा रेयर होता है, जैसे कहते हैं टाइगर रेयर्स हैं, तो ऐसे जूस भी रेयर है। ये आप इंडिया में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पहली बार, क्या सोच के और यहाँ का मार्केट आप क्या देखते हैं? देखिए, ये इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। पहले हम इसको यूएसए एक्सपोर्ट करते थे, जैसे योगा वेस्ट में गया, पॉपुलर हुआ, फिर यहाँ पे इंडिया में लोगों ने देखा कि भाई वो तो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। सेम इसके साथ भी यही हुआ है, वेस्ट में जाके ये यूएस में बहुत पॉपुलर है, लोग अवेयर हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस कॉन्शियस है, जैसे संग्राम भाई फिटनेस कॉन्शियस है। तो हम चाहते हैं कि इस इंटरनेशनल मोटिवेशनल सीरीज़ और इस जूस के साथ टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ फिटनेस कॉन्शियसनेस इन इंडियन यूथ। एक चीज़ पूछना चाहेंगे संग्राम, की जो जूसेस आते हैं, जो फिटनेस वाले जूसेस होते हैं, ज़्यादातर उसमें जो माना जाता है कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आपके मेडिकल मेडिसिन मिली होती हैं जो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती हैं, आप क्या मानते हैं? मगर ये जूस है ना, बिल्कुल देखिए, जिसमें मेडिसिन है नॉर्मली चीज़ें मैं कम ही करता हूँ। एक तो जहाँ पे हम खड़े हैं वो वन ऑफ द इंडिया का बड़ा जिम है, गोल्ड जिम। वो सेकंड थिंग, ये जूस है ना बिल्कुल नेचुरल है, जैसे हम नेचुरल हैं वैसे ही नेचुरल है, बिल्कुल रेयर, मतलब ये कहता ना रेयर है, इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई मतलब और बाकी सप्लीमेंट जो इफेक्ट होते हैं ना जो बाकी जूस में होते हैं, जैसे मान लो हमने किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे कि भाई आप ये जूस पियो, वो जूस में क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। ये चीज़ ऐसी कि फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा बिल्कुल कभी। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीबक थॉन बेरीज से बना है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इंडियन सर्टिफिकेशन है। सो ये प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सीबक थॉन बेरी जूस है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड है सो दैट फिटनेस प्रोफेशनल्स को फर्स्ट क्लास बूस्ट मिले। 21 एमिनो एसिड जो कि आपका प्रोटीन को मसल में कन्वर्ट करता है, ऑल द फोर ओमेगास। ये ऐसा नहीं है भाई साहब कि सिर्फ फिटनेस के लोग लें, नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको आज की डेट में डाइट में प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हर चीज़ में तो पोल्यूशन है। ये प्योर नेचुरल पोल्यूशन फ्री प्रॉपर डाइट एंड फिटनेस जूस है। संग्राम, कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसे कुछ जूसेस वगैरह कुछ लिए जो आपको हार्मफुल हुए हों? देखो, मैंने भी बताया कि जब मुंबई आया था नया नया, मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर किया था एक ऐड करने के लिए, और शायद आप वहाँ थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, तो उसका अमाउंट भी बहुत था, 1,40,000,000 था 3 साल का, और मेरे अकाउंट में भी 1,100 रुपये थे। फिर मैंने देखा, 2 मिनट सोचा, मैंने उसको मना कर दिया कि भाई देखो 5,50,000 उसकी बात नहीं, अगर 5 बच्चे भी हमें फॉलो करते हैं वो जहर पिला रहे हैं, और कहते हैं ना रात को सुकून से सोना, दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। फिर उस मालिक की थोड़ी ईगो हर्ट हुई कि आप हो कौन, हमारे पास धोनी है, सचिन है, दूसरे हैं। मैंने कहा सब अपने भाई हैं, सुपरस्टार हैं। मैंने कहा देखो बात ये है, आप बुरा मत मानिए, हम वो चीज़ प्रमोट करेंगे जो चीज़ हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है,
और अगर आप इसको टॉयलेट की ऐड करनी हो ना तो मैं 1100 रुपये अकाउंट से निकाल के दूंगा, फ्री करूंगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ के साथ ही जुड़ते हैं, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं अब जैसे पहले हम वर्कआउट करते थे, किसी ने दे दिया जूस पी लो, ये कर लो, तो उसने क्या हुआ कि वो लीवर पर इफेक्ट करते हैं। वो चीज़ें हुई हमारे साथ भी हुई, तब हम इतनी समझ थी नहीं। जैसे स्टेडियम में आए, वर्कआउट किया या प्रैक्टिस के बाद ये ड्रिंक पी लो, ये एनर्जी है, ये सब है, तो उसने काफ़ी नुकसान किया है, क्योंकि उस टाइम पर इतनी समझ होती नहीं। तो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ लेके आएँ जो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। अभी वर्कआउट कैसा चल रहा है आपका? अभी तो वर्कआउट, जब मैं 14 साल का था तब नहीं करता था इतना, अब तो मैं 4-5 घंटे करता हूँ। अब आजकल देखो, मैं प्रोफेशनल रेसलिंग करता हूँ, एक दो टीवी शोज कर रहा हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, मतलब सारी चीज़ करता हूँ, और उसके बावजूद फिर ये अच्छी अच्छी ब्रांड उनके साथ जुड़ता हूँ। तो आजकल सारी चीज़ फुल चल रही है, मतलब सारी पॉजिटिव। आपके पीछे बहुत पंचिंग बैग है, इस पर अगर पंच क्या हो पाएगा इस वक्त आपसे कस के? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? एक बार दिखाइए तो अपने दर्शकों को। बिल्कुल, दर्शकों को वो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, अभी हमने 12 काफ़ी टफ वर्कआउट किया है वैसे, और ये सीरीज़ देखोगे जो सीरीज़ लॉन्च की है, अगर इसको कोई इंसान जिसकी जिसमें थोड़ी सांस बाकी ना, अगर वो देख लिया ना तो तोड़ देगा इसको। क्या बात, आपको एक थोड़ा सा सैंपल दिखाएंगे। बहुत फास्ट बेस्ट वो करो, क्योंकि हमेशा तैयार रहो। कभी इसकी ज़रूरत जो है कभी रियल लाइफ में पड़ी है? देखो, रियल लाइफ में कुछ बात होती है तो हाथ जोड़ता हूँ, काम चला लेता हूँ। क्योंकि पता है क्या है कि जो इंसान में ताकत होगी उसमें बहुत संयम होगा, और संयम जिसमें होगा उसको मालिक भी परेशान करता, सोचेगा नहीं यार इसमें संयम है, इस आदमी को ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो। नहीं, इंसान है, कभी कभी तो कुछ ना कुछ दिमाग में खटक ही जाता है, कोई सामने का बहुत इरिटेट कर दे तो। जो इंसान 7-8 साल की चारपाई से उठ के आया हो, जिसने डेथ सारी सिचुएशन देखी हो, तो उसके सामने छोटी बात फ़र्क ही नहीं पड़ती। कि कुछ बोले तो हाथ जोड़े चल दो, वो ना फिर पूरी ज़िंदगी में निकर चढ़ी क्यों जेल में सुखाओ, गलत तो नहीं? बात सही है ये, इसीलिए हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, कोई गलत बोलता तो बोलने दो, क्योंकि वही तो इंसान है जो हमें अपने से बेहतर समझते हैं बेचारे। अब अपने खास आदमियों को हम खो देंगे तो फ़ायदा क्या है? क्या बात है, ये बताइए मीटू जो चल रहा है आजकल, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मीटू चल रहा है, अभी मैंने देखा कि मीटू मतलब अभी आया। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई गलत है, जिसने गलत किया, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर ये देखने चाहिए कि इसके चक्कर में कोई बेगुनाह है वो ना चला जाए अंदर। और क्या है कि देखिए, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी हैं, तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि भाई आप ठीक रहें, सामने वाले को देखो, देखने का नज़रिया होता अपना, तो जिसने जो किया ना, खाली अखबार तक सीमित नहीं रहे, न्यूज़ चैनल तक सीमित नहीं रहे, उनको एक दो को जेल में डाल दो, फिर दूसरे मी टू और ये सब करते हुए थोड़े से डरेंगे। लेकिन एक वही चीज़ होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई बेजा कोई फ़ायदा ना उठा ले जाए, तो उसके लिए सरकार भी चाह रही प्रॉपर्स की तहकीकात हो, उसके बाद सामने चीज़ें आनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि कोई कानून बनता है ना, तो उसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। कि भाई जैसे मान लो कोई बेगुनाह, कहते ना कभी आटे के साथ घुन पिस जाता है गेहूँ के साथ, तो क्या होता है कि ये प्रॉपरली उसकी तफ्तीश करे कि भाई ये जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, उसके बाद ये सारी करे। और मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन बंदों ने किया है गलत है तो उनको तो बिल्कुल आगे लेके आएँ, और जिन्होंने नहीं किया, किसी के बोलने पे बगैर तफ्तीश किए, उसको उजागर ना करें। क्योंकि समाज में क्या होता है कि फैमिली वाले इंसान होते हैं, फिर उनका रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ हम पूछेंगे संगम कि मीटू अभी अचानक से बहुत तेज़ हो गया इंडिया में, पायल ने जब आवाज़ उठाई थी तब पायल की का साथ किसी ने नहीं दिया था, आप उस टाइम पे पायल के साथ खड़े थे? मुझे पता नहीं था, जब मैं पायल तब मेरे साथ नहीं थे, जब उन्हें कुछ हुआ था शायद कोई इंसिडेंट हुआ था, मैं पायल मेरे से बाद में मिली थी। मगर क्या होता है कि ये मीटू अब भी नहीं होता मेरे हिसाब से, बाहर कोई USA में जो एक बड़ा एक ओस्कर विनिंग डायरेक्टर था, उसके खिलाफ जो ओस्कर विनिंग एक्ट्रेस थी और ये सब थे, उन्होंने बोला तो उसको फॉलो करते हुए फिर ये यहाँ तक पहुँच गया। फिर जैसे ये तनुश्री आए, तनुश्री जी ने बोला, बाकी ने बोला, फिर ये चीज़ आगे बढ़ी। हाँ, ये होता है कि देखो, यहाँ पे इंडस्ट्री में अगर आप हो, अगर आप किसी के खिलाफ बोलते हो, आप नॉर्मली हो, तो आपको दबा देंगे सब मिलके, आपको कहेंगे आप पागल हो, आपको ये नहीं है, आपको वो नहीं, गलत है। मगर देखो, एक ख़ास बात बता रहा हूँ आपको, सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं हम बन ठन के सारी चीज़ करके कि भाई हम तो बिल्कुल साधु संत हैं, ऊपर वाला इम्प्रेस होता है हमारी नीयत से। जिसने जो किया है ना, वो आगे जरूर आएगा,
बात सही है, लेकिन जैसे पायल ने बोला उस टाइम पे पायल को भी ऐसे ही लोगों ने बोला और पायल को फिल्में नहीं मिली, जो प्रोजेक्ट थे उनसे उनको निकाल दिया गया। आप उनके बाद जब मिले तो आपको कितना गुस्सा आया, उन लोगों से आपकी मुलाकात बाद में भी हुई होगी? देखिए उस चीज़ का मुझे कोई इंसिडेंट पता ही नहीं कि क्या है वो, जो बात होती है ना कोई ना कोई रीज़न के लिए होती है, क्या गुस्सा आना क्या कुछ आना, मैं उनको जानता ही नहीं, वो मुझे जानते थे नॉर्मली है, अब कहीं नॉर्मली मिल जाए तो भाई वो उस टाइम की बात थी, वो उनका सर्कल था, वो उससे मेरा क्या लेना देना। हाँ मेरे सामने कोई गलत करेगा, उसमें जो पायल कोई दूसरी लड़की है मेरे सामने कोई गलत करेगा, ऐसा हाथ दूंगा कि ज़िंदगी भर बेचारा अपने दांत इधर उधर बदलवाता रहेगा, कि मेरे सामने किसी भी लड़की से किसी ने बदतमीजी की, चाहे वो देश का कितना ही बड़ा कोई भी है, मैं उसको नहीं बख्शूंगा, क्योंकि दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, मेरे सामने कुछ हो रहा है, ये दिक्कत तो हमारे में वही है कि हमारे सामने कुछ होता हम चुप रहते हैं, फिर सोचते हैं फिर अगला नंबर हमारा होता है, किसी ने गलत किया है उसके चुप मत रहो, आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। अब मेरे सामने नॉर्मली आज तक मुझे गलत इंसान मिला ही नहीं है, मैं सबसे जी करके बात करता हूँ, सब मुझे जी करके बात करते हैं, कोई गलत है बोल देता हूँ, देखो करने वाला मालिक होता है, बाकी सब जरिया होते हैं, कोई कुछ बड़ा नहीं है, ज़िंदगी में दो ही रास्ते हैं, दे के जाओ या छोड़ के जाओ, वहाँ बता रहा था, और मैं हमेशा सुबह उठता हूँ ना उसका शुक्रिया अदा करके, वापसी टिकट बुक रहता है, ये मैं समझता हूँ कि अच्छा करने का जरिया भरो, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, ना किसी की बात पर ध्यान देता ना कुछ हो करता, हाँ कोई गलत चीज़ है मेरे सामने हो रही है, चाहे वो पायल के साथ हो रही है, वो किसी दूसरे के साथ हो रही है, मैं बोल बोलूँगा नहीं, इसमें पकड़ के ऐसे घसीटूँगा, वो नहीं कि मैं खाली अखबार में छाप दिया और मैंने कर दिया, नहीं वो नहीं है, मैं देश का मौजूद आदमी हूँ, अपना टाइम पे टैक्स पे करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, सारे कानून का पालन करता हूँ, तो भाई कोई भी अगर गलत आदमी है जो हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहा है या किसी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, बहन बेटी कुछ कह रहा है या कोई सरकारी संपत्ति नुकसान पहुँचा रहा, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, जो देश का दुश्मन हो हमारा दुश्मन। देखो आम ही तो वहाँ लड़ती है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कुछ शरारती तत्व हैं उनको भी तो सबक सिखाना चाहिए, उसमें हमें मैं पुलिस में रहा हूँ तो उसमें क्या है कि हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, जो चीज़ सही है गलत है गलत है। चलिए बहुत अच्छा एक संदेश दिया है संग्राम ने और इसको फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को, मैं कहूँगा कि हर यूथ को फॉलो करना चाहिए, मत सोचना कि वो दूसरे की बहन है दूसरे की बेटी है या गलत चीज़ है, जो सरकारी संपत्ति उसका पालन करो, ये सारा टैक्स ही हम इसीलिए तो आता कि हम अपना घर साफ रखते हैं, कूड़ा बाहर उठा के डाल दिया, बाकी चीज़ें ये सब कर दी, दूसरे की बहन बेटी दिखी हमने सीटी मारी ये सारी चीज़ें की, तो हमेशा कोशिश करो कि एक सही तरीके से पालन करो और अपने आप की जिम्मेदारी समझो, और मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ होगी ना आप सबको पता चलेगा कि वो सामने वाला उसने बदतमीजी किसी की लड़की के साथ बेचारा वहाँ पे एडमिट है। चलिए ये संदेश भी जाना जरूरी है, अगर ऐसा आपके सामने हो और हमको ये पता चले संग्राम ने उसको जो है सही सबक सिखा दिया, मेरे सामने हो चाहे एक हो हज़ार हो दो हज़ार हो पाँच हज़ार हो कितनी पोस्ट पे हो कहीं पे भी हो गलत करेगा गलत करेगा। देखो क्या होता है कि तलवार से है ना आप सिर्फ एक दो आदमी मार सकते हो, हाथ जोड़ के अच्छा करके आप लाखों आदमियों का जरिया बन सकते हो अच्छा करने का, तो अच्छा करो। बहुत अच्छा संदेश है और हमसे बात करें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, और ये सीरीज़ देखना और ये जूस पीना। Thank you so much. Namaste. Thank you, Ji. Thank you. Thank you.